नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप शुभ जन्मदिन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और दिनांक 18 जुलाई दिन गुरुवार को जन्म पाए लोगों के लिए पूरा साल कैसा बीतेगा आपका, ये जानकारी इस कार्यक्रम में मिलती है। और आज जिनकी विवाह की वर्षगांठ है उनके पूरे साल को ताजगी से भरने के लिए भी एक उपाय बताते हैं। ये डेली मिलता है और इसे आप लोग उन्हें भी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस कार्यक्रम को, जो आपके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनकी आज एनिवर्सरी है शादी की या बर्थ एनिवर्सरी है, तो दोनों लोगों के लिए ये हम सम्यक रूप से अलग अलग एंगल से देते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएँ। आज जिनका जन्म हुआ है पहले उनकी चर्चा करते हैं। तो दिनांक 18 जुलाई को पैदा हुए लोग, आप सबको आज श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का वर्षफल मिल रहा है। चंद्रमा महादशानाथ श्रवण नक्षत्र का स्वामी मकर राशि में, इसका लाभ ये मिलेगा कि पूरे साल आपके मन की ताजगी मेंटेन रहेगी। खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। शिक्षा क्षेत्र में जो बाधाएं थी, इनफैक्ट वो बाधाएं अक्टूबर नवंबर से छूमंतर हो जाएंगी। एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। गवर्नमेंट जॉब के योग अगर कुंडली में होंगे तो वो भी मिल सकते हैं। जनवरी फरवरी में किसी तरह की मानसिक वेदना से आप जूझ सकते हैं, जिसकी वजह से जनवरी फरवरी शिक्षा के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। कुछ पारिवारिक चिंताओं की वजह से भी मार्च महीना थोड़ा टफ जाएगा। मार्च में परेशानियां बढ़ सकती हैं, बहुत सोच समझ करके ध्यान देना होगा। आपके लिए समस्याएं अकस्मात परेशानी का सबब बन सकती हैं। मार्च महीने में स्वयं को बहुत सावधान रख करके चलना है। अप्रैल मई अच्छा जाएगा, अप्रैल मई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जून जुलाई महीना सावधान रहने की आवश्यकता है। जून जुलाई आपके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, खास तौर पर अपने बर्थ डेट से पहले तक नुकसान हो सकता है। बिजनेस, 18 जुलाई को पैदा हुए लोगों के व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। व्यापार में किसी तरह की बाधा ऐसी नहीं आएगी जिसको लेकर के चिंतित हुआ जाए। धन का निवेश बढ़ जाएगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन के मामले में दिन बहुत अनुकूल है। दिनांक 29 हर महीने की 29 तारीख के आसपास कुछ परेशानी हो सकती है, जब 14 से 16 डिग्री के बीच में सूर्य की उपस्थिति रहेगी। बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा। 18 को पैदा हुए लोगों की बिजनेस की स्थिति विदेश से अच्छी होगी जनवरी फरवरी में। अप्रैल मई महीना बेहतरीन रहेगा, रुके धन की प्राप्ति आप इसमें कर सकते हैं अप्रैल और मई में। 18 जुलाई को अगर आपका जन्म हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो सितंबर सौगात लेके आ रहा है। 22 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में नई नौकरी की संभावनाएं हैं। बॉस के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा, बॉस के साथ किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, बॉस आपके प्रति बिल्कुल समर्पित रहेंगे। बॉस के साथ परिस्थितियाँ बहुत सकारात्मक रहेंगी। कोई परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है जो आपके लिए टफ सिचुएशन ले आए। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए प्रमोशन अक्टूबर 22 के बाद है, फिर दिसंबर 15 से पहले और जनवरी 26 के बाद। स्थानांतरण के लिए फरवरी और जून 2020 और बॉस के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए अक्टूबर
मिड में, ये आपको ध्यान देना होगा। दांपत्य जीवन अच्छा चलेगा, दांपत्य जीवन में पुराने गिले शिकवों को भूल करके किसी भी फ्राइडे को अगर आप मिलते हैं तो पैचअप की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगस्त सितंबर महीने में आप बुजुर्गों का हस्तक्षेप करवा करके भी रिश्ते को मधुर करने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। दिनांक 18 जुलाई को पैदा हुए लोगों के दांपत्य जीवन में कई प्रकार की रंगीनियां आएंगी, कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा मिल जाएगी। दिनांक 18 जुलाई को पैदा हुए लोग लव लाइफ में स्मूथ रहेंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में किसी नए का प्रवेश आपके जीवन में होगा, जब भी होगा मंगल या शनि को होगा। नवंबर दिसंबर जनवरी इन 3 महीनों में स्थिति बीच में कई बार ब्रेकअप वाली आएगी। फरवरी से जून के बीच में आपकी शादी 100% फाइनल हो जाएगी, बशर्ते कुंडली में योग अनिवार्य है। स्वास्थ्य, आँख और पेट की दिक्कत बढ़ सकती है, बाकी पुरानी बीमारियों पर नियंत्रण रहेगा, एकदम से चिंता ना करिएगा। क्या उपाय करना है? 7 गुरुवार लगातार चना दान करें और 3 बच्चों को पाठ्य पुस्तक का उपहार दें, गिफ्ट कर दें, कॉपी अच्छी अच्छी साहित्य की, स्टोरीज, मोरल स्टोरीज, सुभाषित आदि। जिनकी शादी की सालगिरह है आज, उनके लिए काले तिल गौशाला में दान करना है और ये काम पति पत्नी मिलकर करें। तो 27, 28, 29 जुलाई को आप कलकत्ता में मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। अभी 20 तारीख तक गाज़ियाबाद में, 20 माने 2 दिन और। अपॉइंटमेंट के लिए दिनेश जी का नंबर है 99-10-29-18-50, व्हाट्सएप करें या कॉल कर सकते हैं। बहुत आभार आप लोगों का, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें। 7-8 अगस्त को पुणे, 9-10 अगस्त को मुंबई। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।